अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ तो ऐसे झुमके नहीं पहनती। जरूर ये डॉक्टर झोल छपाटा राधिका है मेरे रूम में, ये उसी का होगा। अब तो उसे मैं समझाऊंगा और वो भी अपने तरीके से। डॉक्टर क्या है ये, आप फिर से घर के कामों में लग गई? नहीं नहीं वो दरअसल हम ना हमारा स्टेथोस्कोप ढूंढ रहे थे, यहीं कहीं रख दिया है हमने। और ये झुमका, ये आपका है? आप फिर से मेरे कमरे में गई थी, इतनी बार मना किया मैंने आपको, कोई बात एक बार में समझ में नहीं आती है क्या? वो स्कूल की ने फिर से अपने पैतरा दिखाने शुरू कर दिया है हमारे मुन्ना को फंसाने के लिए। एक बार तो हमारा मुन्ना इसके चक्कर में फंस चुका है, लेकिन दोबारा हम उसे नहीं फंसने देंगे। क्या हुआ मुन्ना? अपने ये फूड ब्लॉगर कम डॉक्टर को समझा दीजिए, फिर से गई थी ये मेरे कमरे में, उनका झुमका मिला है वहां से। पर हम आपके कमरे में नहीं गए थे। तो फिर ये झुमका कैसे पहुंचा वहां पे? चल के, आप ही का है ना ये? हाँ, पर लग गए इसके, उड़ के पहुंच गया। नहीं, शायद जब कल हम आपके कमरे में गए होंगे तो गलती से गिर गया होगा। उसके बाद से हम आपके कमरे में नहीं गए। सच्ची भोलेनाथ की कसम, भोलेनाथ की कसम। सॉरी इसकी वजह से आपको तकलीफ हो। प्लीज इनसे कहिए कि अगली बार मेरे कमरे में ना आए। हाँ मुन्ना, हम कहते हैं। क्या अपना सॉरी अपने पास? राधिका सुन लिया तुमने दिव्यम की क्या मर्जी है? आइंदा कभी भी दिव्यम के कमरे में मत चली जाना, समझी? क्योंकि हम अपने बच्चे को और परेशान होता हुआ नहीं देख सकते। दिव्यम जी की बेरुखी तो कम ही नहीं हो रही और उन्हें कुछ याद भी नहीं आ रहा है। कोई तो तरीका होगा कि उन्हें सब कुछ याद आ जाए। हमें इस बीमारी के बारे में और जानना होगा, कोई तो रास्ता निकलेगा। हम एक काम करते हैं, हम डॉक्टर से बात कर लेते हैं, देखिए हमारा फोन चालू हुआ या नहीं। ये दरवाजा तो खुला है। राधिका, राधिका, यहाँ तो कोई नहीं है, किसे पूछे? रसोई में होगी शायद। रसोई में जाए, यही इंतजार करते। हाँ
दिव्यम जी, आपने तो हमें डरा ही दिया। आप कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, लेकिन आप कौन हो? फोन चालू हो गया। मम्मी का मैसेज। राधिका, हम तुम्हारे घर के बाहर हैं, घर आ रहे हैं। तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। भगवान, मम्मी तो घर आने वाली है। अगर मम्मी को दिव्यम जी के बारे में और दिव्यम जी को मम्मी के बारे में पता चल गया तो? बताइए, आप कौन है और आपको मेरा नाम कैसे पता है? बेटा, आप मजाक कर रहे हैं ना? हम अनुराधा हैं। देखिए अनुराधा जी, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको नहीं जानता। एक सेकंड, कहीं आप वो बहरूपिया तो नहीं जो आजकल अमीर लोगों के घर पे जाते हैं, उनका रिश्तेदार बनने का नाटक करते हो, फिर उनके घर पे चोरी करते हैं? चोरी? बेटा, आप चोरी क्यों करेंगे? मुझे क्या पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप चोर हैं और मैं अभी के अभी पुलिस को कॉल करता हूँ। जी, आप भी ना कितने मजाक है। मम्मी कैसी है आप? हाँ ठीक है बेटा। मम्मी, ये आपकी मम्मी है? ओह, तो आप अपनी बेटी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इसके पहले कि आप इनसे कुछ भी बात करें, मुझे ये बताइए कि आपने इनको डॉक्टरी कहाँ से पढ़वाई? क्या डॉक्टरी? जी, आप प्लीज हमारी मम्मी को परेशान करना बंद कीजिए। वो आपके पापा जी के लिए कुछ दवाइयाँ चाहिए थी, हमने आपको मैसेज कर दिया, आप जाकर ले आएंगे प्लीज। ठीक है। मम्मी आइए, आइए बैठिए। कैसी है, सब ठीक? हम राधिका, ये दिव्यम जी ऐसी अजीबोगरीब बात क्यों कर रहे हैं? ऐसी कुछ बात नहीं मम्मी, मजाक कर रहे थे दिव्यम जी। मजाक? हाँ, वो दिव्यम जी और हमारे बीच में ना शर्त लगी हुई है कि वो किसी को भी पहचानने से इनकार कर देंगे। हाँ, अगर सामने वाले ने मजाक पकड़ लिया तो वो हार जाएंगे, कि नहीं पकड़ पाए तो जीत जाएंगे। और आप इतनी भोली हैं कि उनकी बातों में फंसती चली गई, अब तो वो पक्का जीत गए। सच? हमारी तो बेटा जान निकल गई थी। हाँ, हमें तो लगा कि ये सारी यादें भूल चुके हैं। कैसे बताएं आपको कि यही सच है, लेकिन अभी हम खुद परेशान हैं, आपको बताकर परेशान नहीं करना चाहते। ये तुम्हारे लिए लाए थे, पहले ये बताओ काया की वजह से तुम्हारे और दिव्यम जी के बीच? अभी सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं, सब कुछ ठीक है। अरे अनुराधा जी, आप फिर से बिना बताए चली आई। माफ कीजिए सुजाता जी, हम राधिका को फोन लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए अभी बस चले जाएंगे। मम्मी, वो फोन खराब हो गया था हमारा, अभी ठीक है। वैसे दिव्यम की तबीयत के बारे में तो आपको पता चला ही होगा, तो हाल फिलहाल में आप कम ही आया करें। तबीयत? कुछ नहीं, बस दिव्यम जी को थोड़ा बुखार आ गया था, अभी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अब देखिए जननी एआई की कहानी, 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। बेटा, तुम्हारी दादी का बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है, हमें घर जाना पड़ेगा उन्हें दवाई देने, अब चलते हैं। राधिका, आखिर कब तक अपनी मम्मी से दिव्यम का सच छुपाओगे? अगर उसे ताउम्र कुछ याद नहीं आया तो तुमको जाना तो अपने मायके ही है, हमेशा के लिए। बहुत मजा आ रहा है ना आपको हमारा इम्तिहान लेने में? लीजिए, आपको हमारी जितनी परीक्षा लेनी है आप ले लीजिए, लेकिन भोलेनाथ हम भी हार नहीं मानने वाले जब तक हम यही नहीं जान जाते कि दिव्यम जी के दिल में हमारे लिए जगह है या नहीं। तब तक हम उम्मीद नहीं हारने वाले।
बोलो भैया। हाँ एक सेकंड की लगा कि आप नौकरानी को हवा दे रहे हैं। क्या दिव्यम तू अब लगा तो लगा। ये कितनी गंदी चाय बनाई, कैसे पी रहे हैं आप? कोई बात नहीं बेटा, कल ही दोबारा बना देगी। हाँ दादी, पहली बार में इतनी गंदी चाय बनाई है, दूसरी बार में कौन सा तोप बना देंगी? निकाल दीजिए ना, चाय बनाने नहीं आती तो। अरे बड़ी दादी है ना, वही से लाई है, उनकी बड़ी लाडली है ये। अरे वैसे बड़ी दादी काफी दिनों से आई नहीं ना घर पे। कहाँ कितने दिन हुए, अभी तो आई थी वो। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी 3-4 साल पहले तो वो आई थी। हाँ। है ना दादी, 3-4 साल लंबा टाइम हो गया। अच्छा इसलिए मेरा बड़ा मन कर रहा है उनसे बात करने का, मेरे फोन में नंबर नहीं उनका। आपकी डायरी में होगा ना उनका नंबर? शायद। मैं आपकी रूम से लेकर आता। चाय नहीं बनानी आती क्या तुम्हें? ये लीजिए आप सबके लिए चाय। हाँ तो हाँ हाँ। गोलू भैया। हाँ। दादी ने उस नौकरानी को इतना सर पे चढ़ा के रखा हुआ है ना, एक काम ढंग से नहीं करती। बहुत देर हो गई ना माँ, मुन्ना अभी तक आया नहीं। हे भगवान, क्या हुआ माँ? मेरी डायरी के पास तो राधिका और दिव्यम की शादी की फोटो पड़ी है, कहीं दिव्यम के हाथ ना लग जाए। मैं रोकती हूँ उसे जाकर। माँ दादी, माँ दादी ये सब क्या है, बड़ी बात छुपाई आप लोगों ने मुझसे। ये देखिए दादी की मेडिकल रिपोर्ट है, ये उनका शुगर बीपी सब इतना हाई है। इतनी बड़ी बात बताई कैसे नहीं आपने मुझे? मुन्ना ये माँ की कुछ महीनों पुरानी रिपोर्ट्स हैं, माँ अभी बिल्कुल ठीक है। देखो ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये पुरानी रिपोर्ट है मेरी। ओ सॉरी, मैं ये रिपोर्ट पढ़ के इतना घबरा गया था, मैंने डेट ही चेक नहीं की। कोई बात नहीं मुन्ना, डर तो हम गए थे। खैर दादी, आपको अपनी अलमारी अच्छे से सेट करनी चाहिए, इसमें सब सामान इतना फैला हुआ है, मैंने थोड़ा सा हाथ नहीं डाला उसमें सब कुछ नीचे गिर गया। ये क्या कर रही हैं आप, क्या हो गया आपको? हाँ ऐसे भागकर आई और बुलडोजर की तरह मुझ पे गिर गई।
आपके ऊपर छिपकली गिरने वाली थी, इसलिए हम बस हटाने आ रहे थे और पैर स्लिप हो गया, गलती से गिर गए। कौन सी छिपकली? कैसी छिपकली? कहाँ है छिपकली? छिपकली है ना, छुप गई, इसलिए तो उसका नाम छिपकली है। अच्छा, मेरे हाथ में क्या था? मुन्ना, तू वो बुआ जी का नंबर ढूंढ रहा था ना? हाँ, सॉरी, हम तुझे बताना भूल गए। बुआ जी तीर्थ यात्रा के लिए बाहर गई हुई हैं, कुछ समय में वापस आ जाएंगी, तब हम तेरी बात करा देंगे उनसे। हाँ ठीक है, चलेगा, फिर मैं चलता हूँ। वैसे ये डॉक्टर झोल झपाटा कम और डॉक्टर अतरंगी भी ज्यादा लगती मुझे। सॉरी दविम जी, कल के लिए प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सॉरी। ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, पता नहीं क्यों अचानक से सॉरी सुन के एकदम अजीब सा लग रहा है। खैर आप चिंता मत कीजिए, मैं चलता हूँ। राधिका, क्या कर रही थी तुम? दिव्यम के ऊपर बोरे की तरह लद गई। सुजाता, वैसे जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे लगा जैसे दिव्यम को ना पुरानी बातें याद आ रही है। ये शुभ संकेत है। राधिका जी, जैसे आपने बताया कि उन्हें कुछ पुरानी बातें, चीजें देखकर या सुनकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात है। इससे शायद उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। सच में डॉक्टर, ऐसा हो सकता है? हाँ, लेकिन आप बहुत ज्यादा उम्मीद में मत रहिए, क्योंकि जो उन्होंने पहले जिया है, अगर वो चीज किसी आदमी के सामने आ जाए तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो ही जाता है। पर सबसे अहम बात ये है, अगर आप उनको जबरदस्ती पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो उनके दिमाग पर जोर पड़ेगा और हो सकता है उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाए। जी डॉक्टर, हम दिव्यम का पूरा ख्याल रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। सुना तुमने डॉक्टर साहब ने क्या कहा? दिव्यम को कुछ भी याद दिलाने की कोशिश भी मत करना। तुम कभी अपना झुमका छोड़ देती हो, कभी उसे टकरा जाती हो। लेकिन माँ जी, हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन काया को तो इस घर में तुम ही लाई थी ना राधिका। अनजाने में गलती एक बार होती है राधिका, बार बार नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गलतियों पे ध्यान दो और उन्हें सुधारो, ना कि नई गलतियां करो। और जब तक दिव्यम की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तुम दिव्यम से दूर ही रहो। यार ये दवाई कहीं दिख नहीं रही है। ये दिव्यम जी भी ना भूल गए कि अपनी शुगर की दवाई स्टडी रूम में रखते हैं, हम जाकर लेकर आते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। मम्मी को पूछता हूँ, उनको पता होगा कि दवाई कहाँ पे है। माँ, अब फिर से मेरे कमरे में आ गए डॉक्टर झोल झपाटा। हम आपके कमरे में कहाँ आए हैं? देखिए, हम तो दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ये लीजिए आपकी शुगर की दवाई। आप क्यों लाई है दवाई? बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आपकी दिक्कत क्या है? जब हम घर के काम करते तो आप बोलते हैं हम डॉक्टर वाली हरकत नहीं करते। अब जब डॉक्टर होके आपको दवाई दे रहे हैं तो उसमें भी आपको दिक्कत है। चलिए फटाफट से दवाई लीजिए, हमें और भी बहुत सारे काम है। I'm sorry. एक काम कीजिए, अब अंदर आइए, मैं दवाई दे देता हूँ। नहीं नहीं, ये कोई जरूरत नहीं है। हम अंदर आएंगे तो आप वापस से हमें डांटेंगे। अरे मैं
कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है? आइए डॉक्टर झोलजा पाटा। थैंक यू, हम चलते हैं। ओके। वैसे आप हमेशा ये हम करके क्यों बात करते हैं? मतलब माना कि आप दो इंसानों के बराबर हैं, लेकिन एट दी एंड तो एक ही इंसान है। मतलब भाषा में भी झोल जा पाटा। इसलिए हम करके बात करते हैं क्योंकि हम यूपी वाले हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही इज्जत और तहजीब से बात की जाती है। हमारे यहाँ हम संस्कार का भी प्रतीक है। सॉरी। अरे मुन्ना। मामा। क्या हुआ बेटा? ये तुझे फिर से परेशान कर रही हैं क्या? नहीं माँ, डॉक्टर झोल झपाटा मुझे परेशान नहीं कर रही थी, बल्कि दवाई देने आई थी। याददाश्त शादी के बाद पहली बार दिव्यम जी ने हमारी साइड ली है। थैंक यू भोलेनाथ, हमें ये उम्मीद देने के लिए कि दिव्यम जी को सब कुछ याद आ सकता है।